हेलो फ्रेंड्स, मेरी अमी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे और पोहे से टी टाइम स्नैक्स बनाना शेयर करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से फ्लफी और बाहर से बिल्कुल कुरकुरा तैयार होगा। और एक मिक्स चटनी बनाना शेयर करेंगे दोनों के साथ। इस रेसिपी का आप टेस्ट लीजिए और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। एक बड़ा सा बाउल लेते हैं और उसमें हमने एक 50 ग्राम की मात्रा में पोहे को धो के और हमने भिगो के छोड़ दिया था। ये अच्छी तरह से फूल के तैयार हो गया है। इसे हाथ से हम मैश करेंगे क्योंकि ये चम्मच से मैश नहीं होगा, तो इसे हाथ से इस तरह से करते हुए और अच्छा सा एक डो तैयार करेंगे बिल्कुल मैश करके, जैसे आलू को मैश करके तैयार करते हैं उसी तरह से। देखिए बहुत ही बढ़िया सा तैयार हो गया है ये हाथ से। अब 1 टीस्पून हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं और 4 टीस्पून के करीब हम उबला हुआ मटर को थोड़ा सा पीस के और इसमें ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करें 2 टीस्पून, 1 टीस्पून अदरक, 2 टीस्पून प्याज चॉप करके डाल रहे हैं और गेहूँ का आटा हमने 5 टीस्पून के करीब लिया है, वो पूरा हम इसमें 5-6 टीस्पून के करीब लिया है उसे पूरा ऐड कर दे रहे हैं। थोड़ा सा आप कड़ी पत्ता को कट करके डाल रहे हैं, थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं स्वादानुसार और बाकी सारे मसाले डालेंगे। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सौंफ डालेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हम सारे चीज़ डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे और 2 टीस्पून के करीब हम इसमें टमाटो सॉस डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया तैयार होगा, खट्टा मीठा सा और बहुत ही टेस्टी तैयार होता है ये पकौड़ा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे एक गाढ़ा सा वेटर तैयार कर लेते हैं। बहुत पतला सा तैयार हमें नहीं करना है, गाढ़ा सा तैयार करना है। तो देखिए इस तरह का वेटर हमने तैयार कर लिया, क्योंकि ये गेहूँ का आटा है ना तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगेगा। अब थोड़ा सा हम इसमें इनो डाल रहे हैं ताकि ये फ्लफी बने अंदर से, तो 1/2 टीस्पून हमने इनो डाला है और 1/2 टीस्पून ही पानी डाल के उसे मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। तो ये हमारा वेटर अच्छा सा फ्लफी स्नैक्स बनाने के लिए तैयार हो गया। 2 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पे रख देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए, बस ज़्यादा हमें रेस्ट पे नहीं रखना है। तेल हमारा गर्म हो गया है, हाई फ्लेम पे हमें इसे गर्म कर लिया। अब इसे हाथ से या चम्मच से अब बड़ा बड़ा पीस इसे डालिए और क्रिस्पी होने तक पका के और इसे निकालिए। बहुत ही टेस्टी पकौड़ा तैयार होता है और बहुत आसान है इसे बनाना। देखिए ये हमारा पकौड़ा तैयार हो गया बिल्कुल क्रिस्पी। अब चटनी के लिए हम थोड़ा सा तेल डालते हैं 1 टीस्पून और थोड़ा सा पीला सरसों डालते हैं। आप पीला सरसों या फिर ब्लैक वाला जो सरसों राय आता है वो डालिए। थोड़ा सा काली हमने कड़ी पत्ता डाला है, 5-6 कली लहसुन, 2 मिर्ची, थोड़ा सा हमने 2 टीस्पून के करीब मूंगफली डाला है, 2 टीस्पून ही हमने चने का दाल डाला है। अब तेल में इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, इसमें अच्छी खुशबू आ जाए। 1 टमाटर हम चॉप करके डाल रहे हैं, 4 टीस्पून हम कोकोनट पाउडर डाल रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को हम भूनेंगे थोड़ी देर, ये पक जाएगा, इसमें एक अच्छा सा खुशबू आ जाएगा सारी चीज़ों में और इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब थोड़ा सा हम बीच में हींग डाल रहे हैं, तब हींग का भी खुशबू इसमें बढ़िया सा आ जाता है। तो थोड़ा सा हींग डालते हैं और इसे मिक्स करते हैं, थोड़ा सा इसे फ्राई करते हैं तो ये पक भी जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल बढ़िया सा आ जाएगा। अब इसे एक जार में डाल लेते हैं चटनी पीसने के लिए और 2 मिनट के लिए उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चटनी के ऊपर छौंक डालने के लिए 1 टीस्पून हम तेल डाल रहे हैं, 1 टीस्पून हम सरसों डाल रहे हैं और थोड़ा सा हम कड़ी पत्ता डाल रहे हैं। अब ये ब्राउन हो गया, उसे एक तरफ रख दिए हैं। चटनी बनाना हमें तो इसे खट्टा बनाने के लिए इस तरह से इमली का फल का जो पैकेट आता है बाज़ार का, उसे हम डाल के और इसे पीस के तैयार कर लेते हैं। अब स्वादानुसार नमक डालते हैं और एक बढ़िया सा चटनी हमारा तैयार हो गया इस पकौड़े के साथ खाने के लिए। अब इसके ऊपर से छौंक डाल देंगे और ये हमारा चटनी बिल्कुल मिक्स चटनी तैयार हो गया है। अब इन सब सामानों से चटनी आराम से बना सकते हैं और हमारा पकौड़ा भी बहुत ही बढ़िया बना है।
और चटनी भी बहुत अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डियर फ्रेंड। देखिए कितना फ्लफी बना है, अंदर से बिल्कुल फ्लफी और बाहर से एकदम क्रिस्पी।